वेलकम टू ओलीवो आज मैं बहुत ही स्पेशल शानदार सेशन ले आया हूँ आपके सामने हाउ आई ट्रेवल्ड फ्रॉम ट्वेंटी मार्क्स टू थर्टी मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस जी हाँ जो सबसे बड़ा खोफ होता है बच्चों को प्री निकालने के बाद वो ये होता है कि भाई जीए में कैसे स्कोर करें क्योंकि मॉक्स में तो उतने नंबर आते नहीं हैं किसी के सात किसी के आठ किसी के दस किसी के पंद्रह लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी से पीछे हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे मैंने ट्वेंटी मार्क्स से थर्टी मार्क्स तक का ट्रेवल किया है जर्नी को ठीक है और जैसे कि आपको पता है आर में आपका चालीस नंबर का आएगा जीए तो उसका हमारा पूरा फोकस रहने वाला है और ये बात मत सोचिएगा कि अगर मैं आर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे तो सिर्फ़ ये वीडियो आर के काम आएगी जी नहीं ऐसा नहीं होता मैं एक वाइड लेवल पे बनाता हूँ वीडियो जब भी बनाता हूँ कि आप जब भी देख रहे हो उस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिले तो हाँ एक बात ज़रूर मैं बता देता हूँ आपको कान खोल के सुन लीजिए कि इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं मिलने वाली आपको कि भाई वो घुमाइए और आपको सब कुछ याद हो जाएगा इसमें मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप ऑनेस्टली और एक अच्छे ईमानदारी के साथ आप इसमें वीडियो के साथ साथ देंगे मेरा और जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो आप करेंगे आपसे एक्सपेक्ट किया क्या जाता है यही कि ये बस 10-12 मिनट की वीडियो ढंग से सुन लीजिएगा और अगर आपको कुछ लगे कि हाँ इसमें कुछ समझने लायक था तो उसको अपनी जिंदगी में ढालिएगा अगर आप लाइक नहीं करेंगे सब्सक्राइब मेरे लिए मैटर नहीं करेगा मेरे लिए मैटर करेगा कि हाँ क्या आपने इस वीडियो से कुछ सीखा क्या आपके मार्क्स में कुछ इंक्रीमेंट हुआ और क्या आपके घर पर जॉब आपको मिली जी ठीक है तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जीए के जनरल अवेयरनेस के अंदर आप क्या कर सकती हैं तो एक बात याद रखिएगा इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन आपको लग रहा होगा यार तीस चालीस में से कैसे लेके आ सकता हूँ और एक बात और बता दूँ आपको कि अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं आपको थर्टी फाइव प्लस दिलवा दूंगा थर्टी फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी दिलवा दूंगा तो भाई उनके जहाँ में मत पड़िए वो आपको गोली देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं लाइक व्यू बटोर रहे हैं रियलिटी तो यही है कि थर्टी प्लस आ जाए आपके उतने बहुत होते हैं क्योंकि आपको रीजनिंग भी करनी है क्वांट भी करनी है अकेला चालीस में से चालीस जी में लेने से कोई आपको जॉब नहीं मिलने वाली है आपको हर पोर्सन के अंदर अच्छा परफॉर्म करना होगा ठीक है तो हमें क्या है एक अचीवेबल टारगेट रखना है थर्टी आउट ऑफ फोर्टी का और जो कि अचीव किया जा सकता है मैंने खुद किया हुआ है ये जो कोट है इट ऑलवेज सिम्स इम्पॉसिबल एट्स डन इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ जब तक हो नहीं जाती वो इम्पॉसिबल लगती है जैसे कि मान लीजिए कि अगर आज आपको लग रहा है यार क्या मेरी भी जॉब लगेगी लेकिन जिस दिन लग जाएगी उस दिन आपको ये कोर्ट का असली महत्व समझ में आएगा कि हाँ ये नेल्सन मंडेला साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा और ये परफेक्ट बैठता है यहाँ पे क्यों क्योंकि मैंने मेरे खुद के सामने होता हुआ देखा है मुझे खुद भी लगता था क्या मुझे जॉब मिलेगी और एक नहीं दो दो जॉब मिली मुझे आई वी एस क्लर्क क्लियर किया और फिर एस बी पी ओ क्लियर किया मुझे भी यही लगता था कि क्या यार मेरी जॉब लगेगी जा, जा, आप भी जैसे सोचते हैं कई बार वैसे मैं भी सोचता था कि यार सबकी लग जाती है सबकी लगेगी क्या मेरी भी लगेगी हाँ जो सोचते हैं उनकी भी लगती है लेकिन हाँ आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मेहनत से ईमानदारी से काम करेंगे जब मैं पहली बार मेंस में अपीयर हुआ तो मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि हाँ यार मैं थर्टी प्लस तो आउट ऑफ फोर्टी ले ही लूँगा जिस हिसाब से मैंने तैयारी की है बट जैसे ही मैंने अपीयर हुआ मैं मेंस के अंदर मेरे सामने मेंस का पेपर खुला तो मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले कुछ ऐसे एरियाज से क्वेश्चन मिले जिनको तो मैंने छुआ तक नहीं था लेकिन अब हाँ ओबियसली मैंने उस टाइम मेंस क्लियर नहीं मैं कर पाया लेकिन मुझे जो सीखने को मिला बहुत कुछ सीखने को मिला और उससे मैंने कैसे सीख लेके मैं आगे काम किया वो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ जैसे जर्नी आपकी रह रही है सेम टू सेम जर्नी मेरी रही है कोई सिंग तो है नहीं मेरे कि मैंने अलग से कुछ मैं कहीं से आसमान से उतरा हूँ और मैंने पेपर क्लियर किए हैं आप जैसे ज़मीन से ही तो मैं उठ के वहाँ तक पहुँचा हूँ ठीक है वहाँ तक का मतलब पेपर क्लियर किए हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ फिर क्या हुआ कि अब सीखने को क्या मिला यही सीखने को मिला कि जीए के अंदर सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जीए के अंदर बैंकिंग ओरिएंटेड जीए इंपॉर्टेंट है वही करनी है ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करते जा रहे हैं आप बस आपको टीचर पसंद आ गया उसके पीछे बस आंख मूंद के पड़े हुए हैं आपको भक्त नहीं बनना है आपको देखना है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने जब मेंस में अपीयर हुआ उससे मैंने क्या जो धक्का खाने के बाद सीखा वो ये सीखा कि मुझे जीए के पैटर्न पे फोकस करना होगा कि किस किस एरिया में से क्वेश्चंस उठ के आते हैं तो मैंने क्या किया उसके बाद मैंने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट किए नोट्स बनाने स्टार्ट किए और हर मतलब जो नोट्स मैंने बनाए ओब्वियसली मैंने न्यूज़पेपर से थोड़ी उठा उठा के पढ़े होंगे कि आज क्या इंपॉर्टेंट था आज क्या इंपॉर्टेंट था तो मैंने जो सोर्सेज के ऊपर कंपाइल्ड डाटा आता है डेली का वो मैंने करना स्टार्ट किया मैंने जीए जो अलग अलग सोर्सेज से थी उसको कंपाइल किया और अपने एक जगह स्टोर कर लिया उसके बाद मैंने मेंस के लिए तैयारी की ठीक है तो जीए के लिए अलग अलग डाटा कंपाइल करके एक जगह स्टोर कर लिया उसके बाद जो दिक्कतें आई ठीक है ओब्वियसली मैंने आर आर बी पी गुड मार्क्स के साथ क्लियर कर लिया था और मैं आपको स्कोर कार्ड भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाए कि हाँ यार जिसकी बात सुन रहे हैं उसने जो जिस पेपर को क्लियर करने की वो बात कर रहा है उसने ऑलरेडी वो पेपर क्लियर किया हुआ है यहाँ पे देखिए ठीक है मैं पूरा बताने वाला हूँ कि क्या दिक्कतें आई क्या मैंने कैसे कैसे चीज़ों को चेंज किया यहाँ पे देखिए मेंस का एग्ज़ाम का ऑफिसर स्केल वन का है कॉन्ग्रेचुलेसन दिख रहा है कि हाँ आप इंटरव्यू में आ जाइए जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा तब मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी कराऊँगा चिंता मत कीजिए पर पहले हमारा फोकस होना चाहिए मेंस के ऊपर चलिए बात करते हैं कि जी ने बहुत ही अहम रोल निभाया मेरे मेन्स के अंदर मैंने जो क्लियर किया लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथ हथेली में सरसों उग जाती है जी नहीं आपको मेहनत करनी पड़ती है आपको वेट करना पड़ता है चीज़ों को अपने आप तैयार करना पड़ता है आज की डेट में तो आपको सब कुछ पका पकाया मिल रहा है कि भाई ये ये कर लो मेरे टाइम में तो कुछ ऐसा था ही नहीं खुद अपने लेवल पर आपको में, मुझे मेहनत करनी पड़ी और क्योंकि मैंने अपने लेवल पर मेहनत की तो आपको थोड़ा सा क्रिस्प मैं वे में बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना चाहिए तो आपको ये फ़ायदा हुआ है कि मैंने धक्के खाए वो आपको नहीं खाने पड़ेंगे मैंने क्या किया जब मैं मेंस के बाद पेपर दे के आया तो मैंने देखा कि मैं जिस चीज़ से जिस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ वो एक रोंग ट्रैक है मैं वैसे कर रहा हूँ जैसे बाकी सब कर रहे हैं तो बाकी सबका पेपर तो क्लियर नहीं होता ना कुछ कुछ का ही होता है ठीक है तो मैं क्या कर रहा था जो जी ए था वो सिर्फ वही मतलब जो पोर्शन मैं कर रहा था ठीक है वो मेरे काम का था नहीं क्योंकि जो मैं मुझे क्वेश्चंस वहाँ पे मिले ठीक है वो तो कुछ अलग टाइप के थे इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ स्ट्रेटजी मेरी चेंज करनी चाहिए और मैंने फिक्स कर लिया कि भाई मुझे दो ही रिसोर्सेज फॉलो करने हैं अब ये मत सोचे कि सर रिसोर्सेज का नाम क्यों नहीं बता रहे क्योंकि वो रिसोर्सेज आज की डेट में वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जैसा उन्हें करना चाहिए तो मैं ये कह देता हूँ कि चलिए कोई भी लट से ए एंड बी दो रिसोर्सेज हैं जो आपको अच्छे लगते हैं ये मत सोचा कि यार सब लोग तो उसका कर रहे हैं मैं तो नहीं कर पा रहा उसका या उसका मैंने नहीं किया चिंता मत कीजिए कोई दो रिसोर्सेज कर लीजिए क्योंकि सब एक दूसरे का ही घुमा के उधर कर रहे होते हैं ठीक है क्योंकि आना तो सब न्यूज पेपर में से है तो कौन कहेगा कि ये मेरी न्यूज है मेरी न्यूज कैसे हो सकती है किसी न्यूज पेपर किसी प्लेटफॉर्म की वो भी तो उठा के ही कर रहे हैं कोई दा हिंदू से कोई बिजनेस स्टैंडर्ड से तो सब आप कोई भी दो रिसोर्स फॉलो कर लीजिए मैंने क्या किया दो रिसोर्स फॉलो किए एक को डेली रिसोर्स के तौर पर यूज किया और दूसरे को वीकली रिसोर्स के तौर पर यूज किया अब मुझे डेली रिवीजन का आइडिया हो जाता था जब मैं वीकली रिवीजन करता था क्योंकि एक रिसोर्स से मान लीजिए ए से मैंने डेली रिवीजन कर रहा हूं मैं और जब वीकली रिवीजन कर रहा हूं बी रिसोर्स से उठाया तब जी बी से मैंने जब वीकली किया तो मुझे पता चल गया कि हाँ डेली जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक रिसोर्स से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर आइडिया लग रहा था कि जो रिसोर्स मैं फॉलो कर रहा हूँ वीकली में वो मेरा चेक हो रहा था अब मैं अपीयर हुआ मेंस के अंदर मुझे फीलिंग थी कि हाँ यार मुझे नॉलेज है लेकिन जब मैं पेपर अटैम्प्ट किया तो मुझे ये लगा कि हाँ टॉपिक्स में नॉलेज तो है लेकिन मेरे पास परफेक्ट मैं ऑप्शन पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ कि हाँ इसका आंसर यही होगा क्या मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था ठीक है लेकिन अब इस बार भी मैं मेन्थ के अंदर स्ट्रक हुआ लेकिन इस बार भी मुझे कुछ सीखने को मिला वही चीज़ें जो मैंने दो बार धक्के खाए वो आपको ना खाने पड़े इसीलिए मैं आपको बता रहा इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कर लो वो कर लो जी नहीं हमें बात करनी पड़ेगी इस बारे में कि जो हम कर रहे हैं उसमें क्या चेंजेस किए जाने चाहिए मैं आपको एक लकीर खींच के नहीं दूंगा कि भाई इस पर चल लो नहीं मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनसे कैसे उभरना होता है वो आपको अपनी फिर स्ट्रेटजी तैयार करनी है देखिए एक रियलिटी में आपको अच्छे से गाइड करने वाला कौन होता है वो ये होता है वो आपको जो बता दे कि ऐसे आपको नहीं करना है क्या कर रहे हैं बाकी बच्चा वो उससे बिल्कुल ठीक होगा ठीक है तो अब जब मैं दोबारा मेंस के अंदर बैठा तो मैं परफेक्ट कुछ ऑप्शंस पे नहीं पहुंच पा रहा था तो जब मैं मेंस के अंदर स्ट्रक हुआ तो मुझे ये मिला कि चीज़ें तो मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है लेकिन कैसे कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है ठीक है आई न्यू वट टू डू नाउ बट हाउ टू डू वोस मोर इम्पोर्टेंट मुझे ये तो पता चल गया था मेंस के अंदर क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ जो मैंने किया है उसी में से आ रहा है लेकिन उसको उस वे में किया जाना चाहिए वो मैंने नहीं किया हुआ था तो अब मुझे क्या करना था अब मेरे पास डाटा तैयार था लेकिन अब मुझे करना कैसे है वो सोचना था लेकिन आप उस टाइम बहुत लेट हो चुका था क्योंकि मैंने जैसे ये मेंस दिया उसके बाद आगे मेंस दिख रहे थे ठीक है तो अब ऐसे तो है नहीं कि हम डेली जिए फिर उस नए तरीके से स्टार्ट करेंगे जी नहीं ऐसा नहीं होता जो आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता इतना स्मूद नहीं चलती लाइफ आपकी ये बैंकिंग एग्जाम की जरने भी इतनी स्मूध नहीं चलती कि आप हर हर बार नई स्ट्रैटेजी लेके आएंगे और उसको फॉलो कर पाएंगे अब क्या हुआ सीधे मेन्स दिख रहे थे तो मैं नए सिरे से तो स्टार्ट कर नहीं सकता था तो जो मैंने तैयार किया हुआ था उसको नए तरीके से समेटना था मैंने क्या किया एवर नोट के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया मैं आपको स्क्रीन भी दिखाने वाला हूँ यहाँ पर पूरा बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे किया एवर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया और कंपाइलेशन स्टार्ट कर दी सिक्स मंथ की टॉपिक वाइज सिक्स मंथ की टॉपिक वाइज कंपाइलेशन स्टार्ट की मैंने क्या किया टॉपिक वाइज जिए एक रिसोर्स से बनाया ठीक है पूरा अब टॉपिक वाइज़ कहने का मतलब क्या है जैसे ये देखिए एप्स अलग बना लिए स्कीम्स अलग बना ली एन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर की अलग बना ली इकोनॉमिक न्यूज़ अलग बना ली ठीक है ये देखिए 2018 की जीके की दिख रहा है आपको यहाँ पे नोट्स मैंने 380 एटी नोट्स टोटल आज तक के मेरे बने हुए हैं ठीक है तो मंथ वाइज मैं अलग अलग बना लेता तो ये मैंने वैसे ही स्क्रीन ले लिया ठीक है तो ऐसे ऐसे आपको बनाना होता है मेहनत तो भाई आपको करनी पड़ेगी ऐसे नहीं है कि आप सोचे मुझे वीकली और मंथली मिल रहा है मैं उसको रट के चला जाऊंगा पेपर पास शायद कर लेंगे आप पर आप में वो बात नहीं होगी जो किसी और में होगी ठीक है अब मैंने क्या किया यहां पर देखिए एक रिसोर्स से सारा डाटा ये तैयार किया उसके बाद सेम रिसोर्स दूसरे से रिसोर्स से फिर डाटा इसी में तैयार किया पहले से मान लीजिए मैंने ये डाटा तैयार किया दूसरा रिसोर्स उठाया उसमें मैंने मान लो ऐप देखी तो वो यहाँ पे ऐड कर लिया अगर इसमें नहीं है तो अब क्या हुआ दो दो का डाटा मेरा तैयार हो चुका है और ऐसे नहीं करना है कि ऐप्स जब एक, एक रिसोर्स से लिख रहे हैं तो दूसरे रिसोर्स को भी साथ में ले लिया और फिर ऐप लिख रहे हैं नहीं इससे एक नुकसान होगा लिख तो लेंगे आप डाटा सेम तैयार होगा चाहे इस वे में करें चाहे दूसरे वे में करें लेकिन जब आप ऐसे करेंगे कि एक रिसोर्स से पूरा डाटा तैयार किया फिर दूसरे रिसोर्स से डाटा तैयार किया जब दूसरे रिसोर्स से डाटा तैयार करके ऐप्स पर आएंगे तो आपको स्कीम्स भी दिख रही होंगी उस टाइम की न्यूज़ भी दिख रही होंगी उस टाइम और ऐप्स भी दिख रहे होंगे तो दो दो बार आपको डाटा कंपाइल करते टाइम ही आपने डाटा दो, दो दो बार देख लिया है और जब रिवाइज करेंगे फिर आप देख लेंगे अब जब मैंने कंपाइल कर लिया ठीक है तो मैंने क्या किया प्रिंट आउट ले लिए सारे जीए के और प्रिंट आउट जो ओली बोर्ड के मॉक्स के थे वो भी मैंने जीए क्वेश्चंस के सारे प्रिंट आउट ले लिए अब ये आपको अपने वे में देखना होगा कि आप उसका मोक्स का जीए का प्रिंट आउट कैसे लेते हैं थोड़ा सा गूगल पे रिसर्च कीजिए आपको तरीका पता चल जाएगा कि आप सिर्फ जीए के क्वेश्चंस का दो मिनट के अंदर अंदर कैसे प्रिंट आउट ले सकते हैं ठीक है अब क्या हुआ कि डाटा है मेरे पास कंपाइल करके ठीक है और चेकिंग करने के लिए मेरे पास जीए के मॉक के क्वेश्चन हैं ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि जो मैं डाटा तैयार किया उसमें से कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं मुझे अब दिक्कत ये आ रही थी कि डाटा बहुत ज़्यादा था अब सारा तो किया नहीं जा सकता क्योंकि पेजेस काफ़ी हो गए थे और मेंस थोड़े से दिनों के बाद ही मेंस था तो मैंने क्या किया वो टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे वो स्किप कर दिए कौन से दो तीन टॉपिक स्किप किए वो मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने अपने लेवल पे किए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको स्किप करने हैं आपको लगता है तो आप कर सकते हैं मैंने डेज जो है इंपॉर्टेंट डेज वो स्किप कर दिए क्योंकि याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक महीने के अंदर ही बीस बीस डेज इंपॉर्टेंट आ जाते हैं फिर उनकी थीम याद करो स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स गेम रिलेटेड जो विनर्स थे वो मैंने स्किप कर दिया जैसे लोइस हैमिल्टन हो गया या इस, इस डबल्स में कौन जीता सिंगल्स में कौन जीता ये मैंने स्किप कर दिया लेकिन हाँ मैंने स्किप क्या नहीं किया मैंने जो प्लेयर्स थे उनका कंट्री कौन सी है उनके एसोसिएटेड फील्ड कौन सा है मतलब ये कौन से खेल से संबंधित है जैसे कि नीरज चोपड़ा पूछा जा सकता है जेवलिन थ्रो से तो ये आप जैसे तीन चंद पूछा जा सकता है स्प्रिंटर हैं तो आपको पता होना चाहिए आज आज की डेट में भी कि जो विनर्स हैं वो किस खेल से संबंधित है या किस देश से संबंधित है देश पूछा जाता है टेनिस से या क्रिकेट से मोस्टली पूछा जाता है वैसे आपको सब पता होना चाहिए कौन से देश से संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर ये नहीं करना है तो इसमें कितना कर लूँ मैं ठीक है तो आपको ये जब आप मेन्स देंगे मोक देंगे तो पता चलेगा फिर मैंने क्या किया ओपचरीज स्किप कर दी क्योंकि याद नहीं रहता भाई आप, आपको याद रह जाता और मुझे तो आज भी अगर याद करने को आ जाए मैं तो ओपचरीज स्किप ही करूँगा क्योंकि मुझे याद नहीं रहता पता नहीं आप लोग कैसे याद कर लेते हैं तो मैंने ये दो तीन चीज़ें छोड़ दी उसके बाद बाकी चीज़ों पे फोकस किया जब आप दो तीन चीज़ें कम हो गई तो अब मुझे थोड़ा डाटा हल्का लगने लग गया अब क्या हुआ करंट अफेयर का डाटा तो मेरे पास तैयार है ठीक है करंट जी तैयार है मेरे पास स्टैटिक जी के करनी थी स्टैटिक जी के मैंने विद ट्रिक्स की और आपके लिए ऑलरेडी कंप्लीट स्टैटिक जी के इन सिंगल वीडियो ऑलरेडी आपको वीडियो दी जा चुकी है वो सर्च कीजिए यूट्यूब पे कंप्लीट स्टैटिक जी के इन सिंगल वीडियो ओली बोर्ड बस इतना लिखेंगे ऊपर ऊपर मेरी वीडियो आ जाएगी विद ट्रिक्स स्टैटिक के करवाई हुई है और होल लिखा हुआ है मैंने आई रिपीट होल लिखा हुआ है इसका मतलब मैंने स्टैटिक जीके मैं ऐसे नहीं किया था कि जो न्यूज़ में स्टैटिक जीके थी वही कर ली आप एक बात बताइए मुझे स्टैटिक जीके न्यूज़ में थी वही कर लूं मैं आप ये तब श्योर होंगे जब आपने सारी जो करंट जीके है वो पढ़ रखी हो क्या ऐसा हो सकता है कि आपने करंट जीके सारी पढ़ सक पढ़ रखी हो ये सारी तो पढ़ रखी हो तब होगा जब आप 10 बारह जितने भी रिसोर्सेज़ हैं सारे फॉलो कर लें ऐसा पॉसिबल तो है नहीं तो जब हर बार पेपर में क्या हुआ इस बार आप सोचें कि न्यूज़ में क्या था वही नेशनल पार्क कर जाता हूँ अगले पेपर से पहले फिर देखें न्यूज़ में क्या था वही नेशनल पार्क इसकी बजाय एक बार में ख़त्म कीजिए ना और आपको विथ ट्रिक्स स्ट्रेटी की वीडियो दी हुई है तो इतना क्या सोचना है सारा आपने क्या करना है जी के विट्रिक ट्रिक एक सिंगल वीडियो दी हुई है दो चार दिन लगा के उस पूरी वीडियो को बार 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 देख के रिवाइज़ कर लीजिए ट्रिक के साथ दी हुई है तो कोई रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको करंट जीके का मैंने आपको बता दिया मैंने कैसे किया स्टैटिक जीके की ऑलरेडी ट्रिक के साथ आपको दे रखी है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने दो तीन रिसोर्सेज फॉलो की और बुक्स फॉलो की लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारा जो मेरा नॉलेज था वो बैंकिंग गैम्बिट सीरीज़ में डाल दिया है जो अब तक की बेस्ट पॉसिबल सीरीज एवर आप बोल सकते हैं इसे क्यों क्योंकि जो आपको चाहिए वो सारा बैंकिंग गैम्बिट सीरीज़ में ओली बोर्ड एज भी आपको मिल रहा है ठीक है अगर आपको परचेज़ करनी है तो वो भी बता दूंगा अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो फ्री बैंकिंग अवेयरनेस भी मैंने ओली बोर्ड यूट्यूब चैनल पे करवा रखी है लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा पे कर सकते हैं तो आपको अच्छा खासा डाटा और मिल जाएगा अपडेटेड डाटा मिल जाएगा ठीक है तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ और मैं कूपन कोड भी बता दूंगा अगर आप थोड़ा डिस्काउंट चाहते हैं तो और अगर आपके पास कोई और कूपन कोड है वो भी लगा सकते हैं मुझे मैटर नहीं करता मुझे मैटर करेगा कि आपकी जॉब लगी कि नहीं लगी तो मैंने प्रिपेयर किया ऑनेस्टी के साथ और मुझे गुड रिटर्न्स मिले तो आप अगर अच्छे से ऑनेस्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं तो रिटर्न्स आपको ओब्वियसली अच्छे मिलेंगे जो बैंकिंग गैम्बिट सीरीज़ है उसका थोड़ा सा डाटा यहाँ पे मिल रहा है ये मैंने करवाया हुआ है और यहाँ पे आपको 21 लेक्चर्स मिलते हैं टोटल एक फ्री भी मिलेगा आपको ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि जो पढ़ाने वाला है वो आपको कैसा पढ़ाएगा अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है मुझे इसकी समझ में आएगी तो पढ़ लीजिएगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका हिंदी रहने वाला है और डाटा जो दिखेगा आपको इंग्लिश में दिखेगा एक साल की आपकी वैलिडिटी रहने वाली है सिंगल कोर्स है जिसमें पूरा बैंकिंग एग्जाम और विद इंटरव्यू तक की तैयारी मैंने इसमें करवा दी है अंडर रेटेड जो हैं वो सारे करवा दिए हैं बैंकिंग टर्म्स भी करवाई हैं ए टू जेड और बैसल थ्री ही नहीं जो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स क्या करेंगे बैसल थ्री पे फोकस करेंगे क्योंकि बैसल वन टू खुद खुद उनको नहीं आती वैसल थ्री आपको समझ में तब आएगी जब वैसल वन टू में क्या कमियाँ थी वो आपको पता चले और वैसल वन टू तक भी आपको इस सेशन के अंदर इस सीरीज के अंदर करवाई हुई है तो मेहनत पूरी की हुई है इस सीरीज के ऊपर अगर आप परचेज करते हैं तो आपको धोखा जरूर नहीं लगेगा कि हाँ यार, यार ये मैंने क्या परचेज कर लिया ये तो बिल्कुल नहीं लगेगा ठीक है अगर आप आपने मतलब ढंग से सुना है इस सेशन को तो आप मुझे बताइएगा कि आपको इस डिस्कशन से क्या सीखने को मिला ठीक है और ये मेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी जिससे मैंने थर्टी प्लस स्कोर किया आर आर बी पी ओ के अंदर ठीक है अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक नया सेशन लेके आऊं आऊँ स्मार्ट वे टू स्कोर वन फिफ्टीन प्लस इन आर आर बी ठीक है अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो मुझे 115 प्लस कमेंट्स चाहिए इसके लिए कि हाँ सर चाहिए चाहिए क्योंकि मैं तभी आपके लिए ये सेशन तैयार करूँ क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चों की डिमांड होगी तभी उस पर मेहनत करने का फ़ायदा है वरना कोई और सेशन में मैं काम करता रहूँगा लेकिन हाँ अगर आपको ये चाहिए तो मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा अगर आप ज़्यादा मुझे कहेंगे कि हाँ सर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये अगर आपको लगता है कि आर अभी मेन्स की आपको अभी स्ट्रेटजी मिल जानी चाहिए 115 प्लस कैसे लेके आए आप तो मुझे बता दीजिएगा एक दो दिन के अंदर अंदर मैं आपको ये वीडियो देने को तैयार हूँ चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े मैं आपको ये वीडियो देने को तैयार हूँ बट मुझे ऑब्वियसली कमेंट्स मिलने चाहिए मुझे लगना चाहिए कि हाँ यार कुछ अच्छा क्राउड है जो आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है उसके लिए मेहनत करनी चाहिए ठीक है तो 115 प्लस अगर कमेंट्स मिलते हैं मुझे तो मैं टॉपर स्मार्ट वेट उसको तो 115 प्लस इन आर मेंस का आपके लिए सेशन ले आऊँगा आपने मुझे लास्ट स्लाइड तक सुना लास्ट सेकंड तक सुना आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप बैंकिंग गैम्बिट सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो ट्वेंटी डिस्काउंट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा यूज़ कीजिएगा कोड विष्णु ठीक है अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रिंटेबल पी डी के लिए तो सर्च कीजिए टेलीग्राम के अंदर ओली वोड इज़ द न्यू ब्लैक वहाँ पर ओरिजिनल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको प्रिंटेबल पी मिल जाए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स के अंदर और इस बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पिछली बार शायद आप भूल गए थे थैंक यू थैंक यू सो मच